23 तारीख को होता हूँ इस बात के लिए। वहाँ पर कहा धनखड़ की जमानत जब्त करेंगे, रिसीव करेंगे दोनों की साथ दोनों में। चार महीने बाद धनखड़ की करेंगे। और वो ऐसा है लाल साहब, वो धनखड़ की जमानत जब्त हो रही है जी। ये जो अब ये सेमीफाइनल है, ये धनखड़ बह क्यों खा रहा है? धनखड़ किससे बह खा रहा है, किससे आप बताइए? धनखड़ ने पता है कुलदीप से 100% जनाब उससे। वो मतलब मैं तो कहता हूँ धनखड़ साहब ने यहीं से इलेक्शन लड़ना चाहिए, और वो इलेक्शन भागेगा छोड़ के, ये आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपका हल्का छोड़ के भागेगा वो? कारण क्या है? कारण उसने ये पता, तेरी जमानत जब्त करूंगा इसके। और मैं ये कह रहा हूँ कि उसने इलेक्शन यहीं से लड़ना चाहिए। और जो सेमीफाइनल अभी रिजल्ट आएगा सेमीफाइनल का 23 तारीख को, उसमें उसने ये पता लग जाएगा कि भाई तेरी हालत घनी खराब हो चुकी है। उसकी जात है विकास, उसकी जात है विश्वास। उन्होंने लोगों के साथ जो कार्य किए वो आज तक किसी ने नहीं किया जी। तो लोग इस बात को नकार चुके। और दीपेंद्र हुड्डा बादली से नहीं, मैं कह रहा हूँ नौ के नौ हलकों से जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, और लोगों का विश्वास जो उन पे था उसको पूरा करेंगे। वत्सी, जब अरविंद शर्मा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित किया था। अरविंद शर्मा को लेकर कुलदीप वत्स ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? चुनाव लड़ने का तो अधिकार सबको होता है, कुलदीप वत्स इतना करारा हमला क्यों बोल रहे हैं अरविंद शर्मा? देखिए, मैं अरविंद शर्मा पे कोई करारा हमला नहीं बोल रहा, और अधिकार है, लड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता नहीं लड़ना चाहिए, पर अरविंद शर्मा को एक बरही का बकरा बनाएगा। अरविंद शर्मा यह इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे जी। अरविंद शर्मा को तो अगर ये इतने अरविंद शर्मा के हितैषी और ब्राह्मण समाज के हितैषी थे बीजेपी जी, तो करनाल ब्राह्मण सीट है जी। हर ने पता है कि पंडित चरणदास शर्मा भी, अरविंद शर्मा खुद भी, तो वहाँ से लड़ते और जीतते भी आए। और मनोहर लाल खट्टर इतना इन ब्राह्मणों का हितैषी था, हमारी जाति का हितैषी इतना ही था, तो वो इसको करनाल से सीट देते, इसको जिताना चाहते थे तो करनाल से देते, उन्होंने ये पता है। और मनोहर लाल खट्टर इतना इन ब्राह्मणों का हितैषी था, हमारी जाति का हितैषी इतना ही था, तो वो इसको करनाल से सीट देते, इसको जिताना चाहते थे तो करनाल से देते, उन्होंने ये पता है कि यहाँ पे ये किसी सूरत में नहीं जीत सकता जी। पर उनकी एक सोच थी, मैं अरविंद शर्मा से इस बात से वो कहता हूँ, अरविंद शर्मा ने एक चीज़ सोचनी चाहिए थी कि भाई अगर ये तेरे इतने हितैषी थे तो करनाल से टिकट क्यों नहीं ली? इनका पर मकसद ये था कि यहाँ भाई को भाई से लड़ा दें। अरना मनोहर लाल खट्टर जी को मैं कहता, पंजाबी समाज का नेता है मनीष ग्रोवर जी, उसको लड़ा के देखता, नॉन जाट था वो, लड़ा लेता जी। आपके बादली क्षेत्र में देखिए कांग्रेस के सारे साथी हैं, हम एक हैं और इकट्ठा होकर हम सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और चाहे कुलदीप वत्स हो, चाहे और साथी हो, अगर इस समय दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ कोई भी आदमी धोखा करता है, वो अपने आप से धोखा करता है। वो अपने जो हमारे इलाके की प्रगति है, जो विकास है, उसके साथ धोखा कर रहे हैं। और मेरे काम बोलता है, उनका नाम नहीं बोलता, उनका काम बोलता है। और जब किसी का काम बोलता है और जिसकी शराफत बोलती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ये कितना जहर घोल ले। आज आप ब्राह्मणों के गाँव की मैं बता देता हूँ, राजपूतों के गाँव की बता देता हूँ, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लेना। नॉन जाट की जो बात करते हैं, नॉन जाट के किसी गांव में दीपेंद्र हुड्डा नहीं आ रहा है जी। और बादली हल्के के किसी गांव में दीपेंद्र हुड्डा नहीं आ रहा था, हर गांव में दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा। दीपेंद्र हुड्डा का हर बिरादरी से प्यार है। इस वक्त हम मौजूद हैं बादली हल्के के छबीली गांव में। मेरे साथ मौजूद हैं बादली हल्के से लोकप्रिय नेता कुलदीप वत्स, वह कुलदीप वत्स जिन्होंने बादली हल्के में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वह कुलदीप वत्स जिन्होंने एक बार विधान MLA का इलेक्शन जिन्होंने लड़ा था और तकरीबन 30,000 से ज़्यादा वोटें हासिल की थी, वह कुलदीप वत्स जो हर बार जीत के नज़दीक पहुंचते हैं लेकिन किसी ना किसी कारण से रह जाते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है तो इनसे हमारी मुलाकात हो गई, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो इसी बीच अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमसे बात करने के लिए इन्होंने समय दिया। और सबसे पहले तो वत्स जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू साहब। वत्स जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर बादली हल्के की बात की जाए तो आपके बादली हल्के को, दीपेंद्र हुड्डा को बादली हल्के से काफ़ी उम्मीदें हैं, और कुलदीप वत्स उस पर कैसे खरा उतरेंगे? देखिए लाल साहब, थैंक यू, एक तो आपने जो बधाई दी, बादली हल्का पे उम्मीद इसलिए ज़्यादा है दीपेंद्र जी की क्योंकि उन्होंने इस बादली हल्के को अपना घर समझा है, अपनापन दिखाया है, बादली हल्के में विकास किया है। और जो आदमी जब मेहनत करता है तो आदमी सोचता भी मजदूरी उसकी मिलनी चाहिए,
और उसकी जो उम्मीद है, मेरी कोशिश है, हमारे सारे साथी जुटे हुए हैं। बादली हल्के से पिछली बार हम 11,000 वोटों से जीते थे, अब की बार ये जीत 30,000 और 40,000 प्लस जाएगी। और लोगों ने एक मन बना लिया, जिस तरह की बीजेपी एक जातिगत राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, तो लोगों ने छत्तीस बिरादरी ने ये सोच लिया कि भाई ये पार्टी भाईचारा तोड़ू पार्टी है और भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, तो इसलिए लोगों ने ये मन बना लिया कि हम अपने भाईचारे को ख़राब नहीं होने देंगे, अपने भाईचारे को एक रख के और इसकी वोट से चोट करेंगे जो इन्होंने हमारे भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश की। पीछे आरक्षण का मुद्दा था, इन्होंने हमारे जिस तरीके के बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, जिस तरीके की चाल चली, उससे हमारे भाईचारे को बहुत ठेस पहुँचाई। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी यहाँ के मुख्यमंत्री की थी, इन्होंने पर एक इनका एक मुद्दा था कि हम इनका एक सोच थी कि हम कैसे कैसे भाई को भाई से लड़ाएं, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं मिला तो यहाँ बोला जाट नॉन जाट को लड़ा दो। और समय रहते हमारे छत्तीस बिरादरी के भाई इस बात को समझ गए कि भाई ये आदमी भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, पार्टी भाईचारा तोड़ू पार्टी, तो लोग इस बात को समझ चुके। और इनकी जो चाल थी, ये बीजेपी का जो कैंडिडेट है जी, ये भी इनकी एक चाल थी कि भाई यहाँ हमारा बहुत अच्छा भाईचारा आपस में है, जाट समाज है, ब्राह्मण समाज है, हमारा परिवार एक एक, हमारे दादा परदादा तक एक है। पर इनकी सोची समझी एक चाल थी कि इनने यहाँ इस कैंडिडेट को दिया कि भाई इनका आपस में भाईचारा तोड़ो। पर आज मैं अपने ब्राह्मण समाज की बात करता हूँ जिसमें मैंने जन्म ले रखा है जी, और अरविंद शर्मा ने भी उसी ब्राह्मण समाज में जन्म ले रखा है। पर लोगों ने एक मन ये बनाया है कि हम जात पे न पात पे हम वोट देंगे काम पे। दीपेंद्र हुड्डा जी की शराफत, दीपेंद्र हुड्डा जी का विकास, दीपेंद्र हुड्डा जी का विश्वास, तो लोगों ने इस चीज़ को नकार दिया। और मैं आज आपको कहता हूँ 70% ब्राह्मण दीपेंद्र हुड्डा जी को ब्राह्मण मानते हैं, ब्राह्मण भी मानते हैं, वो जाट भी है, ब्राह्मण भी है, एससी भी है, उसकी कोई जात नहीं, उसकी जात है विकास, उसकी जात है विश्वास। उन्होंने लोगों के साथ जो कार्य किए वो आज तक किसी ने नहीं किया जी। तो लोग इस बात को नकार चुके। और दीपेंद्र हुड्डा बादली बादली से नहीं, मैं कह रहा हूँ 9 के 9 हलकों से जी, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और लोगों का विश्वास जो उन पे था उसको पूरा करेंगे। वस्ती, जब अरविंद शर्मा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित किया था, अरविंद शर्मा को लेकर कुलदीप वत्स ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? चुनाव लड़ने का तो अधिकार सबको होता है, कुलदीप वत्स इतना करारा हमला क्यों बोल रहे हैं अरविंद शर्मा? देखिए, मैं अरविंद शर्मा पे कोई करारा हमला नहीं बोल रहा, और अधिकार है, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं लड़ना चाहिए। पर अरविंद शर्मा को एक बरही का बकरा बनाया गया, अरविंद शर्मा यह इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे जी। अरविंद शर्मा को तो अगर ये इतने अरविंद शर्मा के हितैषी और ब्राह्मण समाज के हितैषी थे बीजेपी जी, तो करनाल ब्राह्मण सीट है, हर ने पता है कि पंडित चरणदास शर्मा भी, अरविंद शर्मा खुद भी, तो वहाँ से लड़ते और जीतते भी आए। और मनोहरलाल खट्टर इतना इन ब्राह्मणों का हितैषी था, हमारा हमारी जाति का हितैषी इतना ही था, तो वो इसको करनाल से सीट देते, इसको जिताना चाहते थे तो करनाल से देते। उन्होंने ये पता है कि यहाँ पे ये किसी सूरत में नहीं जीत सकता जी। पर उनकी एक सोच थी, मैं अरविंद शर्मा से इस बात से वो कहता हूँ, अरविंद शर्मा ने एक चीज़ सोचनी चाहिए थी कि भाई अगर ये तेरे इतने हितैषी थे तो करनाल से टिकट क्यों नहीं ली। इनका पर मकसद ये था कि यहाँ भाई को भाई से लड़ा दें। अरना मनोहर लाल खट्टर जी को मैं कहता, पंजाबी समाज का नेता है मनीष ग्रोवर जी, उसको लड़ा के देखता, नॉन जाट था वो, लड़ा लेता जी, क्यों नहीं लड़ाया? अपनी बिरादरी के बारे की वो बात करता है मनोहर लाल खट्टर, बोलते भाई तो सच्चे, वो उसका एक ही मतलब था कि मैं ये दो समाज ऐसे हैं जो इक्वल, इनका हमारा खाना रहना सहना सब कुछ इकट्ठा है कि इनको और लड़ा दूँ। तो जैसे राजकुमार सैनी को यूज किया सैनियों के खिलाफ, तो इस तरीके की मैं अरविंद शर्मा से सिर्फ इस बात से नाराज हूँ कि भाई आप इनकी चाल में आए। और पहले शिवसेना थे, फिर कांग्रेस, फिर बसपा, फिर कांग्रेस, फिर बसपा, फिर बीजेपी, और अगर वो टिकट उसको उस दिन नहीं देते या कुछ कोई जो भी इनकी बात थी वो नहीं होती तो फिर कांग्रेस थे। वत्स जी, मोर देन 75% है जो प्रचार है वो लगभग पूरा हो चुका है और इलेक्शन में तकरीबन एक हफ्ता ही बाकी है, तो कुलदीप वत्स ने क्या महसूस किया है? क्या दीपेंद्र हुड्डा के विकास के दावों में, आपकी कांग्रेस पार्टी के विकास के दावों में क्या धरातल पर कोई दम नज़र आता है? देखिए अलाव साहब, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ
और लोग एक बात से बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत है कि भाई 10 साल में जो हमारा विकास भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया, इतना विकास हमारे से कांग्रेस की गवर्नमेंट रही पहले, चाहे चौटाला साहब की गवर्नमेंट रही पहले, चाहे चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी रही हो, हमारा विकास किसी ने नहीं किया। हमारा विकास जो हमारे को बैकवर्ड बोलते थे, हमारा पिछड़ा इलाका बोलते थे, हमारे रोड नहीं थे, हमारे एजुकेशन नहीं थी, हमारे हेल्थ नहीं थी, तो उसको लेके दीपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत कार्य किए और अच्छे से कार्य किए, उससे लोग सहमत हैं। आप ये देखिए, हमारे एम्स है, बहुत बड़े एम्स 2, ये देश की बहुत बड़ी चीज़ है, रेलवे लाइन, मेट्रो, बाईपासिस, एजुकेशन, हेल्थ, किसने दिया हमारे को? आज आप हम अपने गांव सुरहती से जाते थे, 1.25 घंटा लग जाता था कचार, और आज आप मैं कहता हूँ कोसली से 20 मिनट में झज्जर आ जाते हैं। तो उन्होंने काम किए और लोग इस बात को मानते हैं। बीजेपी 3 चीज़ बीजेपी ने बहुत बड़ी की इसमें, उसको बीजेपी उसी के नाम पर वोट मांग रही है, और उनका उनका जो उनकी सोच और उनकी नीति है, उनका 3 काम थे, एक तो भाई को भाई से लड़ाना, 3 बार हरियाणा को जलाना, और आज इलेक्शन में भी उनकी नीति सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम इनका भाईचारा कैसे ख़राब करें। मैं लोगों से भी इस चीज़ की अपील करता हूँ कि भाई आपसी भाईचारा, हम सब एक हैं, इनकी चाल में ना आए। यहाँ ये अपनी चाल चलते हैं कि भाई हम हिंदू मुसलमान फलाना नॉन जार, तो इस तरीके की मेरे हिसाब से लोग मतलब इस सियासत को इनकी जान चुके हैं, और लोग दीपेंद्र हुड्डा जी पे विश्वास पे, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा एक नेता नहीं बेटा है। अगर बादली क्षेत्र की आपकी बात की जाए वत्स जी, हर बार बात होती थी पहले कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर, क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें दूर हो गई? क्योंकि अब की बार का इलेक्शन वत्स जी, खैर है, आपने तो दावा किया कि दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन मुकाबला लोग बोलते हैं कि कड़ा है, तो ऐसे में कांग्रेस को एकजुट भी रहना पड़ेगा, क्या कोई ऐसी बातें हैं कि कांग्रेस अभी एकजुट है या नहीं है आपके बादली क्षेत्र में? देखिए, कांग्रेस के सारे साथी हम एक हैं और इकट्ठा होकर हम सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और चाहे कुलदीप वत्स हो, चाहे और साथी हों, अगर इस समय दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ कोई भी आदमी धोखा करता है, वो अपने आप से धोखा करता है। वो अपने जो हमारे इलाके की प्रगति है, जो विकास है, उसके साथ धोखा कर रहे हैं। और मेरे ने लगता नहीं कि कोई भी आदमी इस प्रकार से, हम सारे एकजुट हैं और एक साथ होकर सारे मैदान में चले हुए हैं। कोई कम कर ले, कोई ज़्यादा कर ले, वो तो आपने बताई है कोई, पर मेरे हिसाब से हम सब सारे एक हैं और एक होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी को सबका संकल्प है, और मेरा संकल्प नहीं है, बादली हल्के का संकल्प है, एक वोटर का संकल्प है कि अपने बेटे और अपने भाई को हम बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ हला साहब, लोगों ने ये इन्होंने कुछ भी कही है, दीपेंद्र हुड्डा जी का काम बोलता है, उनका नाम नहीं बोलता, उनका काम बोलता है। और जब किसी का काम बोलता है और जिसकी शराफत बोलती है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ये कितना जहर घोल ले। आज आप ब्राह्मणों के गांव की मैं बता देता हूँ, राजपूतों के गांव की बता देता हूँ, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लेना। नॉन जाट की जो बात करते हैं, नॉन जाट के किसी गांव में दीपेंद्र हुड्डा नहीं आ रहा है जी, और बादली हल्के के किसी गाँव में दीपेंद्र हुड्डा नहीं आ रहा था, हर गाँव में दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा। दीपेंद्र हुड्डा का हर बिरादरी से प्यार है, तो इसलिए मैं मतलब इस बात को मैं तो नकारता हूँ। 1-2% आदमी हैं जिनमें इस प्रकार का चाहिए, वो किसी भी समाज से, समाज में हर समाज में 1-2 अच्छे भी गंदे भी आदमी होते हैं, पर समाज को भी कोई गंदा नहीं होता, समाज में इंसान कोई भी गंदा हो सकता है। बस जी, जब आपका काफिला निकलता है तो बड़ी जोरों शोरों से निकलता है, कई हज़ार गाड़ियाँ होती हैं, और लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आज कुलदीप वत्स दीपेंद्र हुड्डा को उतनी वोट भी दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे। देखिए जी, कुलदीप वत्स अकेला कुछ नहीं कर सकता, जो साथी हैं वो सारे साथ मिल के लड़ रहे हैं, और मैं भी एक आम वर्कर हूँ, मैं भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी का कार्य करता हूँ, और कांग्रेस का मैं एक सिपाही हूँ। मेरे हिसाब से हम जब सारे लगे हुए हैं तो कामयाबी बहुत अच्छी मिलेगी, और जिस प्रकार से आज लोगों में का आशीर्वाद और प्यार हमारे को मिल रहा है, तो हमें उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया टिकी है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी एक तरफा इलेक्शन जीतेंगे। और भाई जो दीपेंद्र हुड्डा जी का मैं फिर कहता हूँ, कोई नाम नहीं है, नाम है काम का। आज दीपेंद्र हुड्डा जी की शराफत है, मैं अपनी कहता हूँ,
हम कोई मुख्यमंत्री के बेटे नहीं, हमें गरीब जमींदार और किसान के बेटे रहे, पर इतनी हरकतें कोई हमारे साथ करता तो हमारे भी गुस्सा आ जाए। पर दीपेंद्र हुड्डा जी फिर भी हंसते रहते, वो एक हार्ड वर्क जो आदमी है, नेता है, वो है। तो इसकी इसीलिए मैं भी इनको सलूट करता हूँ कि मैं कई बार कहता हूँ, मैंने आप पीछे थे जो झज्जर रैली थी, तो मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी को खुद कहा कि मैं आपको सलूट करता हूँ। सलूट इसलिए करता हूँ कि इतना वर्क जितना वो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी रैली करने जा रही है, क्या उसका कुछ फर्क आप मानते हैं, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए अला साहब, उसी दिन हमारी रैली है और मोदी जुमलेबाज आदमी है, झूठ की राजनीति करता है, बोला 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15-15 लाख खाते पाऊंगा, ऐसी वर्क के लिए ये करूंगा। मैं नरेंद्र मोदी से, मैंने उस अभी पीछे एक हमारा लाइव चल रहा था, मैंने उस दिन भी भाजपा के नेताओं से पूछा भी मेरे को 5 गांव गिनवा दो, 5 काम देश में गिनवा दो और 5 काम हरियाणा में गिनवा दो जो आपने बड़े काम किए हों। तो उन्होंने कोई भी, मैं आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, 5 काम आए आगे और 5 काम ये गिनवाए कि भाई हमने हरियाणा में 5 काम ये किए हैं। 3 काम जरूर बड़े किए हैं इन्होंने, वो जो भाई को भाई चलाने का, 3 बार हरियाणा को चलाने का काम इन्होंने जरूर कर दिया, पर 5 काम ये नहीं गिना सकते। बस जी, खैर ये तो बात हुई लोकसभा चुनाव की दीपेंद्र हुड्डा की। अगर मैं एज ए कुलदीप वत्स की बात करूं तो लोग कहते हैं कि आपकी जो छवि है बादली क्षेत्र में वो एक दानी सज्जन के रूप में है कि हर जगह पे जाके पूरा सहयोग भी करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मेहनत तो कुलदीप वत्स करते हैं लेकिन जब अंतिम समय जब आता है तो दावेदारी और किसी की जता दी जाती है कांग्रेस की तरफ से। तो मैंने पहले भी कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल किया था कि इससे कैसे पार पाए हैं कुलदीप वत्स। देखिए, जब मेरे चाचा ताऊ और मेरे भाई मेरी कोई ड्यूटी लगाते हैं तो ये सच्चाई है, मेरा मेरे पास पैसे ना होते हो, बेशक ना हो, पर मैं जब मेरे चाचा ताऊ और भाई कहते हैं, मैं दिल से बात कहता हूँ। मैं ये नहीं सोचता फिर क्या होगा कि मेरे चाचा ताऊ की बात ना गिरे, मेरे भाइयों की बात ना गिरे, इसलिए मैं मतलब जितना हो सके करता हूँ। दान तो भगवान देता है तो खुद दे देते हैं, नहीं तो भाई कहाँ से दे, पर ये ज़रूर है दिल बहुत बड़ा है, चाहे पैसे ना हो पर दिल बहुत बड़ा है, और दिल बड़ा है तो भगवान सब सुनता है। रही बात जो आप कह रहे थे कि भाई लास्ट टाइम टिकट की, हाँ लास्ट टाइम पे कुलदीप वत्स एकदम से मैदान से निकल जाते हैं, पहले छाए रहते हैं। जी जी, देखो मैं भूपेंद्र हुड्डा जी पे और दीपेंद्र हुड्डा जी पे और अपनी बादली हल्का की जनता पे और भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो वो करेंगे अच्छा करेंगे। रही बात ये, भाई अगर मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी इन्होंने अच्छी लगेगी तो मेरे को टिकट दे देंगे तो मैं लड़ लूँगा, और भाई मेरी में कोई कमी लगेगी तो किसी और भाई को देंगे तो हम उसके साथ लग लेंगे। हम तो मतलब जिद नहीं कर सकते, आदमी ने कई बार कुर्बानी देनी पड़ती है, कई बार मजबूरी भी होती है, पर मैं ये आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ कि इंसान ने सब्र रखना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है और ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। वत्स जी राजनीति के अंदर जातिगत समीकरण को कितना मानते हैं, क्योंकि अगर पिछली बार का जिक्र करें, अगर कुलदीप वत्स के ऊपर अगर ब्राह्मण छापना होती तो जाहिर तौर पर लोग बोलते हैं कि कुलदीप वत्स बादरी हल्के से विधायक बनते, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा, तो कुलदीप वत्स इससे कैसे पार पाएंगे, क्या आप मानते हैं जातिगत देखिए रहता है? मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे को 36 बिरादरी ने वोट दी और अल्लाह साहब वोट की तो छोड़, मैं पता नहीं क्या करते लोग, पर मैं एक दिल से एक बात कहूँ, मेरे को लोग दिल से प्यार जरूर करते हैं, वोट का मैंने नहीं पता, कि दिल से ये मानते हैं कि ये हमारा बेटा अपना भाई है। और जातिगत मैं नहीं मानता कि मैं ब्राह्मण नहीं होता तो जीत जाता, नहीं, मेरे को जाट समाज ने खूब वोट दिया, मेरे को SC/BC वर्ग ने वोट दिया, ब्राह्मणों ने भी दिया, और जहाँ तक मेरा हार का कारण वो रहा है मैं उसके लिए अपने स्वयं की प्लानिंग को जिम्मेवार मानता हूँ और अपने नसीब को भी मानता हूँ कि भाई शायद हमारे कुछ हमारी कमियाँ रही, पर लोगों ने बना था तो लोगों ने तो मेरे को 7,000 वोट जीता के उनसे मतलब ज़्यादा वोटों से भी 11-12 हज़ार से जीते थे, तो लोगों ने तो 17-18 हज़ार वोटों से जिताया था, पर कहीं हमारी मैं एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा जी, हमारी 14,000-12,000-13,000 वोट कांग्रेस के घर भी चली गई, और जब घर में फूट होती है ना तो उसका दूसरे फायदा उठाते हैं। जहाँ तक जब इलेक्शन आएगा हम एकजुट होकर लड़ेंगे, तो चाहे कुलदीप वत्स लड़ो चाहे कोर भाई लड़ो, हम यहाँ पे
बीजेपी की जमानत जब्त करा। वत्स जी, एक दिलचस्प वाक्य आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ऐसे ही आपके कोई विरोधी पार्टी के नेता बैठे हुए थे, तो किसी प्रोग्राम का निमंत्रण आया हुआ था, शायद कबड्डी का कोई प्रोग्राम था, तो वो इंटरेस्टेड लग नहीं रहे थे जाने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पोस्टर पे कुलदीप वत्स का फोटो देखा कि वो भी आएंगे, तो झट से एकदम से बोले अरे कुलदीप वत्स जा रहे हैं तो फिर तो जाना पड़ेगा। इतना खौफ क्यों है आपके नाम का विरोधी पार्टी के नेताओं में? एक्चुअल देखो, मैं एक बात जरूर कहता हूँ अला साहब, जब आपकी ताकत बढ़ती है ना जी, ताकत बढ़ती है तो विरोधी भी बढ़ते हैं, और इंसान ने कभी भी एक तो अहंकार नहीं करना चाहिए और ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहती है कि भाई तुम्हारा रोड़ा एक ही आदमी हो, कुलदीप वत्स, चाहे धनखड़ जी हों, चाहे और आम नेता हों, अच्छी कांग्रेस पार्टी के नेता हूँ, इसमें मैं नो डाउट, मैं कभी किसी से बेझिझक बात करता हूँ, वो सोचते हैं कि भी ये अब हमारे साथी भी पता नहीं कैसे कैसे दुष्प्रचार करते रहते हैं, कोई कुछ कह देगा कोई कुछ, पर उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अपना नेक नीति और नीति साफ हो, नीयत साफ हो, तो भगवान उसका फल जरूर देता है। जहाँ तक इन भाइयों की जो आप बात कर रहे हो जी, मतलब पता नहीं, मैं कभी किसी से जायलिसी नहीं रखता, मैंने आज तक कभी भी किसी, चाहे INLD का रहा है, चाहे JJP का है, चाहे कोई भाजपा का है, चाहे कोई कांग्रेस का है, मैं कभी किसी से जायलिसी नहीं रखता, मैं कभी भी किसी काट फांस में विश्वास नहीं रखता, और मैं जब भी आगे से मिलते हैं, चाहे मेरे से छोटी उम्र के भी, मैं सबको राम राम करता हूँ, बड़े प्यार से बोलता हूँ, पर राजनीतिक में सब संभव है और ये सब चलता है, चलते रहते हैं। और उन्होंने क्या बोला कि अगर कुलदीप वत्स जी अगर 51,000 रुपये देके आएंगे तो मैं कहीं से भी लेके आऊँगा, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा ही दूंगा, ये बोला उन्होंने। ऐसा है जी, देखो मतलब मैं तो जिद और जहेज में कभी पड़ता नहीं, मैंने जो करना होता है, मैं तो एक चीज़ भी देखता हूँ कि जो मेरे भाई हैं, जो चाचा ताऊ हैं, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है हम कम देना चाहते हैं जी, पर उनकी जब बात आ जाती है तो फिर हम उसके पीछे नहीं हटते। जहाँ मैं उन उस चीज़ के लिए भी कभी किसी से जिद नहीं लगाता कि फलाना, मैं आपको दिल से बात कह रहा हूँ, मैं बे दबाव के बात करता हूँ, मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता कि कोई मैं झूठी बात करूँ, मैं किसी बात से, मैं किसी, मैं ये भी नहीं पूछता कि कौन आदमी क्या दे रहा है, मेरा मन में आता हूँ मैं वो करता हूँ, पर लोगों के ठीक है, ऐसा खोप होना भी चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, आदमी सोचना चाहिए ठीक है, इस बार ने मेरे नाम से दो भाइयों को पैसे का जोटा चला जाता है, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बताइए कि जब आपने चुनाव लड़ा, मोर देन 30,000 आपने वोटें हासिल की, 34,000, हाँ 30,000 से ज़्यादा वोटें आपने हासिल की, तो फिर भी इशारों के नेता ही क्यों बने हुए? मेन पिच पर जाकर बल्लेबाजी कीजिए ना, टिकट लाइए और मैदान में उतरिए, उसको लेकर दिक्कत क्या होती है? देखिए ऐसा होता है, कई बार क्या है, हमारी कांग्रेस से कोई तो जेब में टिकट रखता है जी, कोई तकिए नीचे टिकट रखता है, कोई कहे अभी मेरी फलाने ने पक्की कर दी, कोई कहे फलाने ने पक्की कर दी, मैं तो अपने कर्म पे विश्वास रखता हूँ, फ्रंट कति मैं बिल्कुल फ्रंट फुट पे आगे सिक्सर मारता हूँ, मैं किसी चीज़ का भय नहीं मानता और नसीब ने कोई मुँह नहीं सकता। जहाँ तक मैं एक्चुअल मैं अपने नेता की कदर करता हूँ, मेरा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, सेंटर में हमारा राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी हैं, उनके नेता हैं मेरी, तो मैं ना तो राहुल गांधी जी के पास जाऊँ टिकट मांगने के लिए, ना मैं प्रियंका गांधी जी के पास जाऊँ, ना किसी और नेता के पास जाऊँ, मैं अपना बायोडाटा नहीं, मैं अपना बायोडाटा सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दूंगा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट मैंने लगता है कि मेरे साथ, मेरे से प्यार करते हैं अपने बेटे की तरह, तो भूपेंद्र हुड्डा मेरे को किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं देंगे, ना दे दिया उन्होंने, पहले भी नहीं दिया, पहले मेरी मजबूरी थी जी, मजबूरी थी, मैंने इलेक्शन लड़ा, पर ऐसा नहीं है, और कति फर्स्ट कह रहे मतलब फ्रंट के सिक्सर मारूंगा, ऐसा मैं नहीं मानता किसी से, ना मैं किसी का दाव मानता। जब मैंने इलेक्शन लड़ना था तो मैंने ओपन चैलेंज करके कह दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा अगर इस साथ में हो, तो मैं लड़ा। अब मैं खुद कह रहा हूं कि मेरी जो ईगो थी वो, मैं अगर मेरे साथ कोई पंगेबाजी नहीं करते या कोई मेरे को दबाने की कोशिश नहीं करते तो मैं इलेक्शन तब भी नहीं लड़ता। देखो प्यार में सब कुछ है, तो ये सोचते हैं कि भी और भी कैंडिडेट हैं, मैं कई हद कहता हूँ कि भाई देख मेरे से तो प्यार से तो मेरी जान ले लो, मेरे को एक्चुअल मैं चोट की किसी को भरता नहीं, और फिर कोई चोट की मेरे से को भरता तो फिर मेरा कितना नुकसान हो, फिर उस बात से डरता भी नहीं। अच्छा, पूरा दिन आप पूरे 5 साल कुलदीप वत्स लगातार मैदान में मेहनत करते रहते, कड़ी धूप में भी आज देख रहे हैं मेहनत कर रहे हो आप, पूरा दान पुण्य करते हैं, लेकिन आपके जो विरोधी कहे हैं, आपकी पार्टी के कहे हैं, मैं नाम लेता हूं नरेश प्रधान, वो लगातार जब इलेक्शन का टाइम आता है सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं लोगों को कि टिकट मैं लेके आऊँगा,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुलदीप वत्स भी अगर पूरी तरह से ये बातें करें कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं लड़ूंगा, क्योंकि वत्स जी कई वोट बैंक ऐसा होता है जो पार्टी के साथ जुड़ा होता है वो भुना ले जाते हैं उस मुद्दे को कि चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, कांग्रेस से मैं टिकट लेके आऊंगा। देखो नरेश भाई बोलिए, खुल के बोलिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं किसी बेझिझक नरेश भाई की ताकत होगी टिकट लेने की, पर मैं आज आपको बता रहा हूँ जो कहते हैं टिकट ऊपर से नीचे से, कोई ना ऊपर से ना नीचे से, यहाँ की जो टिकट है पीछे उनको टिकट मिली जी। मैं उस बात की नहीं कहता कि वो लोगों को कहता है मैं ऊपर से टिकट लिया, नहीं हाँ, यही बोलते हैं। नहीं नहीं, ये सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू हुआ, इसकी वजह से उसको टिकट मिली। और ये खुद भी पीछे इलेक्शन पता था, लड़ना भी नहीं चाह रहा था। पर रही, मैं एक बात कहता हूँ, झूठ बोलनी अगर धरती में सोनिया का कोई वोट नहीं होता, इतना भी मतलब आदमी ने भगवान से डरना चाहिए, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। मैं घमंड की बात कभी नहीं करता। मैं ये ज़रूर कहता हूँ आपको, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ और लोग मेरे को फल जरूर देंगे। और छत्तीस बरादरी के जहर घोलने वाले आदमी आज भी हमारी पार्टी के भी है, हमारी पार्टी के कुछ लोग गाँव में जाते हैं, कुछ कहते हैं, पर लोग जो जिस हमारे समाज में बैठते हैं उसी समाज के फोन आ जाते हैं, भाई आज वो यूँ कह रहा था, हमने कोई जवाब दिया, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेश भाई टिकट ले आएगा तो देखेंगे, जनता देखेगी जी, जनता देखेगी। और नरेश इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं लेके आऊँगा, वो तो भाई देखो उससे पूछो। पर ये ज़रूर है कि मैं आपको बता दूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी, और मेरा जो मेरी मेहनत है, मेरी वफादारी है, उसको उसका फल मेरे को हुड्डा साहब जरूर देंगे, ये 101% है। पर ये मैं ये नहीं कहता कि भी मेरी जेब में है, मेरे तकिए नीचे है, और लोग इस बात के लिए मैं मतलब घमंड अच्छा नहीं होता भाई। राजा राम ने भी घमंड किया था, तो घमंड तो किसी का नहीं। तो यहाँ तो हमारी कांग्रेस की, तो आप ठीक कह रहे हो, हमारी कांग्रेस में तो सब टिकट जो भी लोग जाएंगे वो ये की बात कहेगा मैं टिकट लेके आऊँगा। ऐसा नहीं बोलते लेकिन कभी मैं नहीं, देखो मैं इसलिए नहीं बोलता लाल साहब, वो एक मतलब झूठी बात और अहंकारी बात नहीं करता। मैंने ये विश्वास है, मैं तो हुड्डा साहब नहीं पता है कि मैंने किसको टिकट देना है। और मैं आपको बता दूं, मैं बगैर उससे मैंने हुड्डा साहब से एक बात की थी, जी मेरे लिए आप आदेश बताओ। उन्हें कहा, उनका आदेश एक ही था कि आप फील्ड में जाइए, बाद में देखेंगे आदेश क्या है। तो उनका आदेश जो है वो मेरे सिर माथे, मैं काम कर रहा हूँ आज, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा इलेक्शन बहुत बाद में, मेरे को क्या रहेगा। मैं तो सभी से भी एक बात कहता हूँ, अपने कांग्रेस के सारे साथी थे उनसे भी एक बात है कि भाई आज आप सारे दीपेंद्र हुड्डा बनकर काम करो, और दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत होगी तो वो हमारी जीत होगी। और अलाव साहब आप एक चीज़ तो आप देखो, जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, आप लोगों के बीच में जाते हैं, चाहे आज जो हमारा वोटर है वो खिसकेगा तो वो कुलदीप वत्स सोची कोई और हो। आज जो वोटर चला गया ना जी, 4 महीने के बाद लौट के नहीं आता कभी भी। तो हमारा ये प्रयत्न है कि भाई सभी का टिकट पता नहीं कौन लड़ता है, चलो वो तो एक बात की बात है, पर आज हम अपने वोटर को, जो हमारा वोटर खिसका था पीछे, उस वोटर को हम दोबारा लेके आए जी। तो 4 महीने बाद हमारा कोई फायदा होगा। आज दीपेंद्र जी के लिए हम कर रहे हैं जी, तो उस वोटर को हमने बढ़ाना चाहिए। वो 4 महीने के बाद जो वोटर है उसको हम ये सोचो उस टाइम तोड़ लेंगे, वो नहीं टूटता। आज हम उसको अपने साथ रखेंगे तो वो स्विंग नहीं होगा। तो वोटर बहुत सियाणा है, और कई ऐसा नहीं है कि वोटर अपने जवान के ही पक्के आदमी अच्छे हैं, कि भाई कई आदमी हमारे देहात में से हैं, भाई कह दी जो कह दी भाई, या कुछ हो लो। मेरा पीछे इलेक्शन आने का क्या कारण था, सिर्फ और सिर्फ ये था कि कई आदमी पीछे, कुछ लोगों ने कोशिश की कि अगर वत्स जी जीत जाएंगे तो हो सकता हूँ प्रकाश धनखड़ की मदद कर दी जाए, तो छुपा नहीं किसी से, तो इसलिए उन्होंने वो किया। पर उनको ये नहीं पता कि आपने लिए भी गड्ढे खोदे हैं जी, मेरे को सबका पता है कि कुलदीप वत्स भी प्रहार करेंगे, मौका मिलेगा तो उन लोगों पर भी नहीं, उनको मौका ही नहीं मिलेगा जी। जिन्होंने मेरे साथ प्रहार किया तो उनको मौका भी नहीं मिलेगा, ये पता है मुझे किसी पार्टी से। और इसमें सभी पार्टियों के इन बातों में फर्क क्या पड़ता है जी, अलावा साहब आप तो जी ऐसा है अपना काम कर रहे हैं, मस्ती से काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, जो होगा अच्छा होगा, और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। आदमी ने मतलब कभी भी घनी ही चिंता करने का बोलिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सारा हरियाणा रोकना चाहता है, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी काबू थोड़ी आता है, क्योंकि एक मास लीडर होता है, और एक एसी में बैठ के राजनीति करने वाला एसी की राजनीति करते हैं। जो लोगों का काम होता है जलने का, तो जलना चाहिए। और मैं एक ओम प्रकाश चौटाला की एक बात से सहमत हूँ, ओम प्रकाश चौटाला जी का मैंने एक बार एक स्पीच सुना था बहुत साल पहले, जब मैं पॉलिटिक्स में था, नहीं नहीं था जब
88 की बात, 89 में तो ओम प्रकाश चौटाला जी भी उस टाइम मतलब फुल फॉर्म में थे, तो उन्होंने कहा कि अपने स्पीच में कहा भाई सुनो, जिसके लाखों दोस्त और लाखों दुश्मन की ज़िंदगी कुछ नहीं है, तो दोस्त भी ज़रूरी है दुश्मन भी ज़रूरी है, दुश्मन अगर नहीं होगा ना तो फिर हमारे को हम अंधे कुएं में पड़ेंगे, फिर हमारा कोई नहीं बचा सकता, दुश्मन होंगे तो हम उससे पता रहेगा कि आज भाई ये आदमी हमें क्रिटिसाइज है, तो उस हम अपनी बातों से आगे अवगत हो जाएंगे, आप सुधर जाएंगे, पर दुश्मनी भी होनी चाहिए और दोस्ती भी होनी चाहिए, इस बात होनी पड़ेगी। बच्ची वैसे राजनीति में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है राजनीति करना, कुल दिवस राजनीति क्यों नहीं करें, कुल दिवस को तो लेके एक चीज़ ये है कि कोई प्रोग्राम है कुल दिवस को बुलाइए, वो अच्छा सहयोग करेंगे, वोट मांगिए ना सर, लोगों से बोलिए कि मैंने आपके लिए इतना किया है, हर जगह आपका मान सम्मान रखा है, तो आप मुझे चांस दीजिए, खुल के बोलिए, कुल दिवस राजनीति क्यों नहीं करें। देखो आज आज मैं राजनीति आज मैं वोट मांग रहा हूँ दीपेंद्र जी के लिए खुल के जी, आपने अभी देखा मैंने क्या कहा कि भाई ये पगड़ी तो आपने बांधी है, ये क्यों अपने नॉनजाट का गाँव है जी, मैंने कहा भाई 12 तारीख को इस पगड़ी की इज्जत भी रखोगे, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ से जिताओगे और जिताएंगे लोग, वो फल मेरे को दे रहे हैं लोग कि भाई हमारा बेटा और हमारा भाई आगे बीच में कर रहा है। मैं आज आपको एक लाल साहब एक बात बताता हूँ, मैंने अब की बार अपनी रणनीति बदली राजनीति की, मेरी वाइफ भी लग रही है, मेरा भाई भी लग रहा है, मेरे भतीजे भी लग रहे हैं, भांजे भी लग रहे हैं और मेरे साथी भी लग रहे हैं, हमारी टीम के डोर टू डोर भी चल रहे हैं आपको देखोगे, पर मैंने डोर टू डोर का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, कोई चौपाला का प्रोग्राम नहीं, मैं लोगों के खुद घर जा रहा हूँ और खुद 10-10, 20-20 आदमियों से मैं अपने साथ किसी को नहीं रख रहा, अकेला जा रहा हूँ, कोई नाराजगी दीपेंद्र जी से है मेरे से भी हो सकती है, तो 50 आदमियों के बीच में वो आदमी नहीं बोल पाता जी। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई बताओ आप क्या है, क्या तकलीफ है, क्यों दीपेंद्र जी को वोट नहीं दे रहे, क्या कारण है, दे रहे हो वो तो कोई बात नहीं, जो नहीं दे रहा उनसे बैठ के बात करने से फिर हम उनसे बात करते हैं, उनसे उनके दिल की सुनते हैं, आप नहीं बताते हैं तो लोग मानते हैं कि भाई हम करेंगे, तो उस बात से हम एक वोट के साथ साथ 100 वोट जोड़ सकते हैं, और जब हम चलते हैं डोर टू डोर उस ये वो, उनका कोई बेनिफिट ये नहीं होता कि आप ना तो सुन पाते अपनी ना सुना पाते, आप किसी हाँ जी वोट देना जी हाँ जी देंगे जी, तो जब तक आप अपने जो साथी हैं अपने वोटर हैं उनके दिल की बात नहीं समझोगे और उनके उनको अपनी नहीं बताओगे, उनकी नहीं सुनोगे जब तक वोटर का मन नहीं साफ होता, और आज आज आपको बता रहा हूँ वोटर तभी वोट देगा जब आप पर्सनल टच करोगे उसको, तो ये घूमने से हम लग रहे हम भी वो एक एक सिर्फ ये होता है एक प्रचार होता है जी, कि भाई ठीक है एक घर के लाजरी लग गई, पर लोगों के जब तक आप लोगों के बीच में बैठो, मैं से गांव करूँ 5 मेरी दिनचर्या सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मैं सुबह उठता हूँ 8 बजे के करीब 8 बजे निकलता हूँ घर से जी, और रात को मेरा 3:30 बजे तक मैं गाँव करके आऊँ 10 जी करके आऊँ 5, और उनको मैं तसल्ली से करके आता हूँ, उनके लोगों को सुनता हूँ, तो उससे बेनिफिट बहुत है, लोगों ने बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया, तो आपने कहा कि वोट क्यों नहीं मांगते, वोट जब मेरा समय आएगा जब मैं मांगूंगा और लोग उस वो चीज़ को मेरे को देंगे, अब की बात मांगेंगे जो हक बनता है आपको। हाँ बिल्कुल मांगेंगे। बस जी वैसे एक मशहूर विज्ञापन है कि आपने सुना ही होगा हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, उसका जवाब है हिंदुस्तान में फूक चल रहा है, लेकिन आपके बादली हलके में क्या चल रहा है, क्योंकि सर बड़ी असमंजस की स्थिति है, हर कोई दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा में बोलूँ तो कोड़ी भरे हुए घूमता है कि दीपेंद्र हुड्डा मेरे मैं लेके आऊँगा, आपके कांग्रेस में बहुत सारे नेता उठे हुए हैं, बादली में कितने नेता हैं, क्या स्थिति है, बस जी ये हल्का पूरी तरह से उलझा हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, एक गाना है बोले पब्लिक है सब जानती है जी, तो इस अभी 12 तारीख के बाद इस बात का जवाब दूँगा, इससे पहले मैं आपको जवाब नहीं दे पाता, और अब की बार जो फैसले होंगे ना बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे होंगे, ये लोग मेरी भी कोली भरते होंगे औरों की भरते होंगे सब भरे हैं, पर आदमी मैं तो पॉलिटिशियन नेता मैं नहीं मानता ना मैं नेता हूँ, मैं एक लोगों का बेटा हूँ भाई हूँ, पर जो पॉलिटिशियन है ना पॉलिटिशियन से सियाने वोटर है और पॉलिटिशियन ने भी सियाना होना पड़ेगा कि तुम्हारा कौन है, आज मेरे लिए कह रहे वो एक अपनी देसी भाषा में कहते हैं मैं भी अपनी बात बोला खीर खाओ बांधे लटकाओ रही जी। तो मेरी डिस्ट्री में ये बात नहीं है, मेरा एक ही है कि भाई खीर बांदरी खाओ तो लठ भी फिर बांदरी खाओ रीछ नहीं खाओ, ये सच्चाई है, तो मेरा जो भी हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं अपने साथियों की मेरी पर्सनल दीपेंद्र जी के लिए काम कर रहे हैं, मैं दीपेंद्र जी को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इन आदमियों ने लठ खाए हैं तो खीर ही न खिला दो,
पीछे क्या हुआ है, हमारा जो हालत तुम्हारी पतली होने का कारण एक था, वो यही था कि भाई खीर न बांधे का लट्ठा नहीं चलाता, तो ये चीज़ें बड़ी खतरनाक थी, बड़ी घटिया चीज़ थी। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ अरविंद शर्मा को लिए लिए घूम रहे हैं और दम भर रहे हैं कि यहाँ से जिता के मैं निकालूंगा, क्या कहेंगे? 23 तारीख को होता हूँ इस बात के लिए, ओम प्रकाश धनखड़ की भी जमानत जब्त करेंगे, रिसीव करेंगे दोनों के साथ, दोनों 4 महीने बाद धनखड़ की करेंगे। और वो ऐसा है लाभ साहब, वो धनखड़ की जमानत जब्त हो रही है जी, ये जो अब ये सेमीफाइनल है, ये धनखड़ बह क्यों खा रहा है, धनखड़ किससे बह खा रहा है, किससे आप बताइए? धनखड़ पता है कुलदीप से 100% जनाब, उससे वो मतलब मैं तो कहता हूँ धनखड़ साहब ने यहीं से इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो इलेक्शन भागेगा छोड़ के, ये आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपका हल्का छोड़ के भागेगा वो, कारण क्या है इस चीज़ कारण का? उसने ये पता, तेरी जमानत जब्त करूंगा इसकी, और मैं ये कह रहा हूँ कि उसने इलेक्शन यहीं से लड़ना चाहिए, और जो सेमीफाइनल अभी रिजल्ट आएगा सेमीफाइनल का 23 तारीख को, उसमें उसने ये पता लग जाएगा कि भाई तेरी हालत घड़ी खराब हो चुकी है। वजी इतनी खुंदक क्यों है, कहीं ऐसे तो नहीं है कि जो चीज जिस चीज के हकदार कुलदीप वत्स से हो सकते थे वो ओम प्रकाश धनखड़ देखिए विधायक बन गए? मेरे कहने से ना करने से कुछ नहीं होगा। आप जमींदार के पास जाइए, जमींदार ने इसको वोट दिया, जमींदार खेत में शहीद हो रहा है, सीमा पर जवान शहीद हो रहा है, आम बिजनेसमैन, नॉर्मल SC BC के भाई, मेरे को ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ तो गिनवाए तो सिर्फ 5 काम तो गिनवाए कि भाई हमने इस ये किया है। कृषि मंत्री जी बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, अब कृषि मंत्री का बेटा जिस आदमी के, मेरी वजह से कोई नहीं है, लोगों ने खुंदक आ चुकी है, ठेकेदारी करे तो कृषि मंत्री का बेटा कराए, पहाड़ों का काम करे तो, गुड़गांव में पार्किंग का काम तो कृषि मंत्री ने आप अपना विकास किया है, पैसा कमाने में लगे हुए जबरदस्त अपना विकास किया है, और मैं तो कह रहा हूँ भाई कृषि मंत्री बनने से पहले का रिकॉर्ड निकलवा लो इसका, और आज 4 साल 4.5 साल का रिकॉर्ड निकलवा लो, और ना ये न निकलवाएंगे तो मैं निकलवाऊंगा, मैं बता देंगे भाई ये आप खुद के इलेक्शन में चुनाव प्रचार करेंगे तो हमें दिखाएंगे, हाँ बिल्कुल, बेटा फोनों पे धमकियां देता है, सरपंचों को जान से मारने की धमकियां देता है, तुम जनता ने बनाया हो तो जनता की सुनो, मैं भी हूँ, ये शब्द मेरे लिए लागू होते हैं, क्या मैं बना दिया जनता ने तो रोडो, आज पहले हम ग्रांट देते थे कांग्रेस टाइम में, चौपालों में हमारी ग्रांट आती थी, भाई इस गाँव में इतना आए हैं, मैं गाँव में जाता हूँ, गांव के लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे को ये नहीं पता लग रहा कि हमारे गांव में कितना पैसा है, क्या हुआ है, कितना पैसा कहाँ लगा है, आ रहे हैं ठेकेदार और रोड बने उन्होंने पाड़े हैं पिछाए चल रहे भाई, तो मतलब ये ठेकेदारी प्रथा इन्होंने ऐसी चला रहा है कि मंत्री जी ने जो माल डायरेक्ट आ रहा है और 50-50 भाई तू पैसा कितना ले 50-50 ले, है ना, कृषि मंत्री और भी तो कितने पैसे भेज सकता है, यही क्यों? तो लोग, मेरी खुंदक कोई नहीं है, जनता और मेरे खुंदक खाने से होगा क्या, ये काम अच्छा करेगा तो मैं कितने ढोल पीट लूँ, लोग सब कोई बात है पब्लिक सब जानती है, पर काम करता ना तो काम करने का उन्हें पता लग जाता, काम कर नहीं रहा है, बिजनेस मैन हो लिया पूरा, जमींदारों की सुनता नहीं, हमारे किसान भाई मंडियों में परेशान है, किसी की आज सरसों नहीं बिका, अब तक गेहूँ नहीं बिका, जो नहीं बिका, तो पीछे बाजरे की फसल का टाइम था बाजरे का, तो इन्होंने ये चीज़ें उसका इसको परिणाम लोग देंगे। कुलदीप बस क्या मानते हैं अब हरिंदर सिलाना एक नेता और आ गए कांग्रेस में, स्वागत है, हम तो कहेंगे कि एक दावेदार और आ गए हैं, देखो ऐसा, नहीं मैं कति खुश हूँ, हमारा भाई है, हम उनका स्वागत करते हैं, पर कोई दावेदार नहीं है या ना कोई वो शर्त पाए कि मैं दावेदार बनूँगा, रही बात ये भाई ये ठीक है चौटाला पार्टी ख़त्म हुई है तो ख़त्म होने के बाद ही इनका भी हम स्वागत करते हैं, हमारे मारे सारे नहीं तो अब ये बेचारे इधर आ रहे हैं तो हमारे भाई हैं, हम इनका स्वागत करेंगे, पार्टी के लिए काम करें तो क्या पता किसका कभी आज नहीं तो 2 दिन बाद भी हो सकते हैं अगर ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेगा, पर ये नहीं है कि आज कोई आए वो कैंडिडेट हो जाए, तो आप भी पढ़े लिखे आपके
नहीं है तो मतलब वो नहीं, अभी तो अभी वर्कर बन के रहना पड़ेगा, नेता बन के। अभी अभी हम भी नेता नहीं मानते अपने आप को, हम भी वर्कर मानते हैं। तो कांग्रेस को आज हम बीजेपी में जाएं, जजपा में जाएं, तो वहाँ कोई हमारे को नेता बन के दिखाना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, निष्ठावान। और मैं तो कहता हूँ देखो, निष्ठावान बगैर कुछ नहीं है, निष्ठावान होना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और भी काफ़ी भाई हमारे बीजेपी छोड़ छोड़ आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के आए हैं, सॉरी जो जेजेपी छोड़ के आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। अब इन्होंने ये देख लिया कि ये डूबता हुआ जहाज़ है सब, और उस डूबते हुए जहाज में से लोगों ने सब मन बना लिया कि भी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे। हमारे साथी भी काफ़ी गए हैं, जो पीछे काफ़ी धनखड़ साहब में ज्वाइनिंग करी, जब धनखड़ साहब ने कहा भी कांग्रेस के पड़े पड़ाए चूहे हमारे बीच आए हैं, तो अब तो यो सब तो हम यूज़ नहीं कर सकते, पर वो चूहे कब वापस आना चाह रहे हैं, पर हम चूहों को लेंगे नहीं, उनका जरूर इलाज करेंगे। जो चूहा माल खा के भाग गए थे, तो वे अब वो चूहे भी नहीं सोचते कि कूद किंग ना नहीं, पर आने नहीं देंगे। आनंद सागर की तरह इशारा कर रहे हैं जी, वो आनंद सागर से और भी घने मोटे मोटे काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है लोगों का, उन्होंने जो शब्द बोले हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब के लिए, तो क्रिटिसाइज तो लोग कर ही रहे हैं आनंद सागर को बहुत ज़्यादा। आनंद सागर ने इतना मतलब एक कितना बड़ा झूठ और इतना बड़ा एक किसी पे इल्ज़ाम लगाना अच्छा नहीं है। मैंने वही तो कहा था ना, बीजेपी में था, कांग्रेस में था तो जब तो बहुत वो था, आज हुड्डा हर माल खा गया, हुड्डा से हुड्डा साहब ने उनको मंत्री का दर्जा दे रखा था एक किस्म से, उसके एक एक श्राइन के ऊपर नौकरियाँ लगती थी। जब हुड्डा ने टिकट कटा, मैं उसको कहता ठीक है मेरी टिकट कटा, पर मैंने आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में एक शब्द नहीं कहा अपनी जबान से, इलेक्शन में भी और आज भी। मैं उतनी ईमानदारी से, उतनी वफादारी से, मेरा दिल भी कांग्रेसी था, मेरा शरीर भी कांग्रेसी था, और मैं भी कांग्रेसी हूँ, पर मैंने कभी अपने स्वार्थ के पीछे मैंने अपने बॉस को कभी वो नहीं कहा। बस जी, कल मेरा विक्रम कादियान से जैसे कि मैं कुछ पूछ रहा था, तो मैं उनको भी बोला कि क्या राजनीति में ईमानदारी और सच्चाई सही बात है, और आप भी लगातार ईमानदारी की बातें कर रहे हो, क्या आपको लगता है ईमानदार होना चाहिए राजनीति में, थोड़ा बहुत टेढ़ा भी चलता है? देखिए एक बात सुनो, ईमानदार 101% होना चाहिए इंसान। आप बेईमानी की कई चीज़ें हैं, बेईमानी की परिभाषा कई होती है, पर आज जो भाई गरीब आदमी है, जिसके बच्चे नौकरी लगते हैं, आप उस बच्चों से 5 लाख 10 लाख रुपए लेके नौकरी लगाओगे तो आप उसे ईमानदारी की बात देखोगे? मैं आज आपके माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ, आप किसी मोड़ पर अगर हमारे को मौका मिला और पीछे भी मौका मिला, मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, एक आदमी मेरे सामने आके ये कह देना, और मैंने खूब नौकरी लगाई, खूब काम करें, कि भी कुलदीप वत्स ने किसी के 5 पैसे खाए होंगे, मैं आपकी ज़िंदगी भर राजनीति छोड़ दूंगा, आप जो सजा मेरे को समाज देगा उसे समाज उसको बिजनेस करो, अपने काम करो, पर किसी गरीब आदमी की आत्मा दुखा की कोई पैसे खाता, मैं तो उससे नहीं, घटिया आदमी, मैं तो किसी को मानता नहीं। और मेरी राजनीति मैं करूँ ना करूँ तो समय की बात है, पर एक जब मौका मिलेगा तो मेरी ईमानदारी की राजनीति ये रहेगी कि मैं मतलब हाँ, राजनीतिक में अपने आदमियों को मजबूत करो, करना चाहिए, उसको वो बेईमानी नहीं होती है। पर आप ये सोचो कि अपने आदमी को तो मार दे और खुद लूट खा ले, वो गलत बात है। अपने आदमी को वर्कर जो हमारे साथी है उसको नौकरी भी दो, उसको बिजनेस भी देना चाहिए, तो कोई बात नहीं। पर और टेढ़ी उंगली जहाँ करने की जरूरत हो करनी चाहिए। खैर बस जी, मेरा आखिरी सवाल है, ज़्यादा टाइम अब लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको प्रचार प्रसार में जाना है, तो कैमरे की तरफ देख के बताइए दर्शकों को, जो आपके कार्यकर्ता हैं दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में, क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं एक बात कहता हूँ सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यों को और सभी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के हमारे साथियों से, कि दीपेंद्र हुड्डा के नाम के नहीं, दीपेंद्र हुड्डा के काम पर वोट दो। और जो बीजेपी है, भाईचारा तोड़ू पार्टी, भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टी, इसके बहकाव में ना आके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे यकीन करो, विकास। और हमारा भला कौन कर सकता है? हमारा अपना बेटा, अपना भाई, ना जात पे ना पात पर मोर लगेगी हाथ पे, हमारा बेटा दीपेंद्र हुड्डा हमारा भाई है, हम अपने बेटे और अपने भाई के लिए सबका एक फ़र्ज बनता है कि ईमानदारी से, अगर उन्होंने आपके बीच में ईमानदारी से काम किया है, आपका नाम किया है, दीपेंद्र हुड्डा के काम पर वोट हमारा फ़र्ज बनता है। दीपेंद्र हुड्डा के हमने हर चीज़ भुला के सभी 36 बिरादरी के भाइयों ने एक ही चीज़ पर ध्यान दे कि भाई हमारा भला,
हमारी जो चौधर की लड़ाई है, इसको एक आदमी है भूपिंदर सिंह हुड्डा, उसको लोग मारना चाहते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है उस चीज़ को अपने बेटे और अपने भाई के 5 लाख वोटों से जिताओ और जो प्रदेश नहीं देश में नाम रोशन होगा, अभी दीपेंद्र हुड्डा भी कोई चीज़ है। तो ये थे हमारे साथ बादली हल्के से कांग्रेस के लोकप्रिय नेता कुलदीप वत्स, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके मुताबिक भाजपा ने जो जातिगत समीकरण खेलने की जो बात कही है वो तिलस्म है, वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी कुलदीप वत्स उनको तोड़ना जानते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने पुख्ता दावा किया है कि बादली हल्के से दीपेंद्र हुड्डा भारी मतों से लगातार जीत रहे हैं। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर करारा हमला उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है कि 4 महीने के बाद देखना, मैं उनकी जमानत जब्त करवा के दिखा दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सी बातों पर गहराई से बेबाकी से अपनी टिप्पणी रखी और जाहिर तौर पर जो कुलदीप वत्स के समर्थक है, कांग्रेस के समर्थक है, अपने नेता की इन बातों को काफ़ी करीबी से वो जान भी लेंगे, वो महसूस भी कर लेंगे। शुक्रिया।